साउथ का वो हीरो जिसकी लाखों लड़कियां हैं दीवानी, लेकिन यह हीरो पटना की चाय वाली का है फैन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस हीरो को देख प्रियंका चाय वाली का मुंह खुला का खुला रह गया। आइए अब जानते हैं इस हीरो के बारे में जिसकी दीवानगी लड़कियों के सिर चढ़कर बोलती है। हीरो हीरोइन को लेकर दीवानगी लड़के लड़कियों पर समय समय पर होता रहा है, जो कि वर्तमान को अगर हम कैसे इसे अछूता रख सकते हैं। इन दिनों भी बॉलीवुड से लेकर दूसरे सभी इंडस्ट्री में अभिनेता अभिनेत्रियों का जलवा है, लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। इन दिनों हिंदी पट्टी के लोग साउथ की फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साउथ की कई ऐसी फिल्में हैं जो कि बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें बिहार के लोग फिल्मों से नहीं, सीधा उनके नाम से जानते हैं, उनके करेक्टर के नाम से जानते हैं और उन्हें बुलाते हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि दक्षिण की फिल्मों का बिहार के लोगों पर कैसा असर है। आज हम आपको जिस अभिनेता का जिक्र करने जा रहे हैं वह बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली के दीवाने हैं। इन दिनों वे अपनी फिल्म लाइगर को प्रमोशन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पटना पहुंचे, जहां वे ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका से मिलने चले गए। दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता विजय देवरकोंडा पटना की चाय वाली के स्टॉल पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका के चाय का आनंद लिया, साथ ही साथ उनके साथ सेल्फी भी ली। इतना ही नहीं, विजय वहां मौजूद लोगों के साथ भी सेल्फी लेते हुए नजर आए। बता दें कि इसी फिल्म के माध्यम से विजय बॉलीवुड में अपनी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका पटना में तब सुर्खियों में आई जब वह पटना में अपना पहला चाय का स्टॉल लगाया था और लोगों ने उसके काम की खूब सराहना की। प्रियंका इस दौरान लोगों को कहा करती थी कि कहीं नौकरी करने से अच्छा है आप अपने लिए कुछ काम करिए। आपको बता दें कि प्रियंका से मिलने MBA चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध प्रफुल्ल भिल्लोरी भी आए। आपको बता दें कि प्रियंका इसी भिल्लोरी यानी कि प्रफुल्ल भिल्लोरी से प्रभावित होकर चाय की दुकान लगाई है। प्रियंका ने बताया था कि वे हर रोज करीब 2 से 3 हज़ार रुपये का चाय बेच लेती है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रियंका का चाय और उसके प्रति लोगों का कितना आना जाना लगा रहता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विजय देवरकोंडा पटना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका चाय वाली के स्टॉल पर पहले चाय पिया, उसके बाद लोगों के साथ सेल्फी ली। विजय को देखकर प्रियंका काफ़ी खुश हुई। इस दौरान विजय के स्वागत में प्रियंका ने विजय को एक गुलदस्ता भी दिया। आपको बता दें कि विजय साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी से काफ़ी पॉपुलर हुए। बॉलीवुड के यही फिल्म कबीर सिंह के नाम से भी चली, जिसे लोगों ने खूब सराहा। लेकिन विजय इसी फिल्म से आम लोगों के बीच में एक चर्चित चेहरा के रूप में उभर कर सामने आए। अब विजय अपनी बॉलीवुड की पहली फिल्म लाइगर का प्रमोशन कर रहे हैं। इसके तहत पटना की गलियों में होते हुए ग्रेजुएट चाय वाले के पास पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों का दिल जीता। दिल तो जीता ही, साथ ही साथ ग्रेजुएट चाय वाली जो कि पटना में अपने काम को लेकर फेमस हुई और मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी, उसी सुर्खियों के बीच में विजय भी अपनी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी जो बॉलीवुड में जो फिल्म आ रही है नई, उसमें जो है लोग अपनी दिलचस्पी दिखाएँ।